हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एकदम कम रेंज में एक ब्लूटूथ हेडसेट लेके आऊं, लाइक जो ब्लूटूथ एयरफोन्स होते हैं नेक बैंड, वो लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये एक मिला है, फोट्रोनिक्स के तरफ से आने वाला हारमोनिक्स Z1। ये जो नेक बैंड है काफ़ी लाइट वेट नेक बैंड है और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ आता है प्राइस रेंज को देखते हुए। और ये 1000 के नीचे आता है। लाइक जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो वीडियो में आगे मैं बता दूंगा, तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना किसी देर के चलिए अनबॉक्स करते हैं। ये रहा बॉक्स नेक बैंड का। लाइक ये ब्लैक कलर में है, यहाँ पे लिखा है कॉम्फोर्ट रीडिजाइंड फोट्रोनिक्स हारमोनिक Z1। यहाँ पे अगर देखे बैक साइड में, यहाँ पे प्राइसिंग जो है 1999 लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लिखी हुई है। लाइक 1000 के नीचे ही आप लोग को मिल जाएगी इसकी प्राइस, 1 ईयर का वारंटी। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स में चेक करते हैं क्या क्या मिलती है हमें। लाइक यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है, एक चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है जो कि माइक्रो USB 2 Type-B केबल है। यहाँ पे कुछ एयर टिप्स मिल जाते हैं हमें। और ये रहा हमारा नेक बेंट, तो इसे जल्दी से निकालते हैं। यहाँ पे कुछ स्टिकर है, इसे साइड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा नेक बेंट। वाओ, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। तक इसे पकड़ के मैं फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे देखे तो ऐसा रबर जैसा फिनिश है, पकड़ के भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोट्रोनिक्स। और इस साइड वाला में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें बटन्स मिल जाती है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ये पावर बटन है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट्स मिल जाती है। और जो बड्स हैं, जो एयर टिप्स हैं इसकी, वो काफ़ी छोटी हमें मिल जाती है, जिस वजह से क्या होगा आपको कान में घुसाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइक अच्छी तरह से इन हो जाएगी कान में। और यहाँ पे हमें मैग्नेट भी मिल जाता है, लाइक इस प्राइस रेंज में मैग्नेटिक के साथ देना काफ़ी अच्छा काम है। और यहाँ पे जो इसकी केबल की क्वालिटी है डिसेंट सी मिल जाती है, ठीक ठाक सी है, लाइट वेट है और काफ़ी सॉफ्ट है। आप जैसे आराम से इसको ऐसे रोल करके पॉकेट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे ऑन करके देखते हैं पहले। ऑन हो गया है, तो यहाँ पे लाइट एक दी गई है जिससे ब्लिंक करता है। तो इसकी साउंड क्वालिटी मैंने सुनी है, लाइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साउंड मिल जाती है हमें। क्योंकि देखिए इस रेंज में जो नेक बैंड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एकदम रद्दी क्वालिटी के होते हैं, बट उससे बहुत बेटर है ये। कुछ लोगों को पसंद आएगी और कुछ लोगों को नहीं आएगी, कि यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, सबका जैसा चॉइस होता है। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, लाइक वैसा हाई बेस वाला एयरफोन नहीं है ये, लाइक इसमें आपको वैसा हाई बेस मिलेगा नहीं, ट्रेवल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लाइक जो साउंड है काफ़ी क्रिस्पी होता है और थोड़ा सा लाउड साउंड होगा, बट वैसा बेस वगैरह इसमें आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइस रेंज को भी आप देखें तो बहुत ही कम प्राइस रेंज में आता ही है। बट एक चीज़ क्या अच्छा है, इसमें हमें ब्लूटूथ लेटेस्ट 5.2 मिल जाती है इसमें, साथ ही में 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है इसमें, जो कंपनी क्लेम करती है। और साथ ही में मैग्नेटिक टिप्स के साथ आता है, ये भी काफ़ी अच्छी निकल के आता है प्राइस को देखते हुए। और काफ़ी लाइट वेट है, हल्का सा फील होगा अगर आप तो इसको कैरी करते हैं। और इसमें पीछे में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बिल्ट इन माइक भी मिल जाता है, जिसके कारण आप बात करने में भी काफ़ी अच्छी होगी। और साथ ही में इसमें आप डबल क्लिक करके वॉइस असिस्टेंट को भी ऑन कर सकते हैं, आपका फ़ोन में जो भी वॉइस असिस्टेंट होगा, लाइक गूगल या फिर Siri, आप ऑन कर सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है, इसमें हमें बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही सॉफ्ट है। अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाती है, लाइक ये ब्लैक कलर है और एक ग्रीन कलर में आता है। तो एग्जैक्ट हम इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट आप लोग को 600 रुपये की मिल जाएगी ऑनलाइन में, लेकिन मैंने ऑनलाइन में चेक किया था, इसका जो ग्रीन कलर है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक 1000 का है। बट ये जो ब्लैक कलर है ये आपको ऑलमोस्ट 600 का मिल जाएगा ऑनलाइन में। मार्केट में भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लेना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल डेट गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग पे।